हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनके लिए लेकर आई हूँ खुशखबरी जो कि निकल के आ रही है IDBI की तरफ से। जूनियर असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। तो हम लोग इस पोस्ट के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं डिस्कशन करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने सीट पे वैकेंसी आई है, कौन सा पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, कौन सा आगे जाके आपका परमानेंट जॉब हो जाएगा, कितना कितना सीट रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब कंप्लीट डिटेल में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी हो सीरियस तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आपको बताया है कि IDBI की तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। ओवरऑल पोस्ट देखें ना, दोनों पोस्ट मिला के तो आपका 2100 सीट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। चलिए अब पोस्ट वाइज देखते हैं किस किस कैटेगरी का कितना सीट रखा गया है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के लिए जनरल का सीट है 324, OBC के लिए 216, EWS के लिए 80, SC के लिए 120, ST के लिए 60 सीट एंड टोटल आपका 800 सीट यहाँ पर रखा गया है। सेकेंड जो आपकी पोस्ट है ना, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये रहने वाला है आपका। जनरल के लिए 558, OBC के लिए 326, EWS के लिए 130, SC के लिए 200 और ST के लिए 86, ओवरऑल देखेंगे तो 1300 सीट्स यहाँ पर आपकी रखी गई है। फॉर्म जो आपकी अप्लाई होती है ना, स्टार्टिंग डेट होती है 22nd of November, मतलब स्टार्ट हो चुका है फॉर्म आपका। लास्ट डेट टू अप्लाई है आपका 6 December 2023। तो 6 दिसंबर का वेट नहीं करिए, अगर इंटरेस्टेड है फॉर्म अप्लाई करना है, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर ही दीजिए। अब आगे देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करोगे आप तो क्या फी लगेगी। जनरल OBC एंड EWS से 1000 रुपीज लिया जाएगा, SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन से 200 रुपीज लिया जाएगा। अगर हम लोग देखें कि एज की लिमिट कब से कैलकुलेट होगी, योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st November 2023। मिनिमम एज होना चाहिए 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स एज की लिमिट होगी। वहाँ पर जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है बॉर्न बिटवीन 2nd November 1998 टू 1st November 2003 के बीच में जिन भी कैंडिडेट का बर्थ हुआ है वो सब इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज में, OBC को 3 ईयर्स का एंड SC ST को 5 ईयर्स का। अदर कैटेगरीज अपने जो रिलैक्सेशन है अच्छे से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखना, बहुत सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाता है। एग्जाम की जो डेट की अगर बात करें तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पेपर होगी 31 दिसंबर को, एग्जीक्यूटिव की पेपर होगी 30 दिसंबर को। मतलब समय काफ़ी कम है, तैयारी बेहतर तरीके से करो, ताकि पहले से तो लोग तैयारी करते ही रहते हैं और अभी फॉर्म अप्लाई हुआ है तो और अच्छे से स्पीड को आप बूस्ट करो। देखो कि प्रीवियस जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ था उसमें क्या सब क्वेश्चन आया था, उसके आधार पे तैयारी करोगे ना तो ज़्यादा बेटर आप कर पाओगे एग्ज़ाम में। क्वालिफिकेशन की जो यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन जनरल OBC का मिनिमम 60% होना चाहिए, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को मिनिमम 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। एग्जीक्यूटिव के लिए सिर्फ आप ग्रेजुएट हो तो चल जाएगा, किसी भी स्ट्रीम से हो ये मायने नहीं रखता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, 2 स्टेज से गुजरना होता है। फर्स्ट होता है आपका ऑनलाइन टेस्ट और सेकेंड होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर तक जाने से पहले हमें इस प्रोसेस से होके गुजरना होगा जो कि है एग्ज़ाम। तो आइए हम लोग एग्ज़ाम की पैटर्न समझ लेते हैं। आपके पेपर में 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के लिए, टाइम रहेगा 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4, विच मीन्स कि 0.25 का होगा यहाँ पर निगेटिव मार्किंग।
तो आइए अब सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा। पहला सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस होंगे। फोर्थ एंड लास्ट सब्जेक्ट जनरल या इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस से आपका रहेगा 60 क्वेश्चन। मतलब कि अदर आप जब देते हो एग्जाम एसएससी वगैरह का तो उसमें आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से को भी इंक्लूड किया जाता है क्योंकि बैंक का एग्जाम है, ठीक है ना। आई होप कि एग्जाम की पैटर्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर होता है ना उसकी जो पोस्टिंग होती है प्रोबेशन पीरियड में होता है। आप 1 ईयर के ना ऑन जॉब ट्रेनिंग होते हो, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको परमानेंट रखा जाता है। वहीं पर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, साफ साफ मेंशन किया गया है, और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है साथ ही साथ उसका सैलरी वगैरह अच्छा मिलता है, 3 ईयर्स के लिए होता है। इन फ्यूचर अगर आप अच्छा करते हो अपनी पोस्ट पे रहते हुए तो आपकी जो टेन्योर है उसको आगे बढ़ाई जाती है, अदरवाइज 3 ईयर्स का टेन्योर रहेगा आपका। तो आप जैसा सोच रहे होंगे कि मैम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले का क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर क्षेत्र में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 3 ईयर्स के लिए आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी पर मंथ की, बैंक में जॉब करोगे आपके पास खुद का आप एक इनकम सोर्स हो जाएगा, आप चाहो तो आगे की पढ़ाई और अच्छे तरीके से कर सकते हो, अपना तैयारी भी करोगे जॉब भी करोगे, बस इस मोटिव से आपको बता देती हूँ। तो चलिए आगे अब देख लेते हैं सैलरी आपको दोनों पोस्ट के लिए क्या क्या रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी होती है ना स्टार्टिंग होती है 36,000 रुपीज से, एंड आपका पर ईयर इंक्रीमेंट और जो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर पर्क्स अलाउंसेस देखने को मिलता है, आपका सैलरी बाद में हो जाता है 63,840 रुपीज पर मंथ की। वहीं पर एग्जीक्यूटिव की जैसा आपको बताया 3 ईयर का टेन्योर होता है, फर्स्ट ईयर मिलता है 29,000 रुपीज पर मंथ, सेकेंड ईयर मिलता है 31,000 रुपीज पर मंथ, थर्ड ईयर मिलता है 34,000 रुपीज पर मंथ की। सो ओवरऑल ये सारा कुछ तो आप समझ गए होंगे। रही बात कि एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, तो IBPS के थ्रू या फिर IDBI भी कंडक्ट करता है पेपर, तो आपको ना अपने जो चॉइस की सिटी होती है ना वो फिल करने का ऑप्शन मिलता है। नियर बाई सिटी में आप जहाँ पे ऑप्शन दोगे वहीं पे आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। सर्व आपको ऑल ओवर इंडिया में करना पड़ सकता है जहाँ पे आपको मतलब एलोकेट किया जाएगा IDBI के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर यानी कि जो आपका अप्रैल में जो पेपर हुआ था उसमें आपका क्या कट ऑफ रहा था, कैटेगरी वाइज और सेक्शन वाइज भी बताऊंगी किस सब्जेक्ट में मिनिमम कितना नंबर लाके बच्चे पास क्वालिफाई हो गए थे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 29.50, OBC के लिए 29.50, EWS के लिए भी है 29.50, SC कैंडिडेट 13.75, ST कैंडिडेट 29.50, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 34.75, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 18.75, MD एंड ID के लिए 27। सो ओवरऑल ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी जो कि मैंने आपको बताया ये ऑफिशियल कट ऑफ है, अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग ये बताया। अभी फिर से जो पेपर हुआ है ना उसका कट ऑफ आप जाके एक बार चेक कर लेना क्योंकि अभी पूरा क्लेरिफाई नहीं किया गया, पेपर लास्ट मंथ ही कंडक्ट किया गया है। आइए सेक्शन वाइज हम लोग देख लेते हैं, मतलब कि SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड का रीजनिंग में आउट ऑफ 60 मिनिमम 1 पासिंग मार्क्स रखा गया था, इंग्लिश का 40 मिनिमम 40 में से 3 मार्क्स था, मैथ्स के टोटल 40 है जिसमें से 1 मार्क्स था, जनरल अवेयरनेस के 60 में से 4.25 मार्क्स पे आपका कट ऑफ गया था। जनरल एंड EWS की बात करें तो रीजनिंग के लिए 4.25, इंग्लिश के लिए 7.25, मैथ्स के लिए 3 और जनरल अवेयरनेस के लिए 7.25 की कट ऑफ गई थी। अब आप बोलेंगे कि आप अपने मन से कट ऑफ बता रहे हो, इतना कम कैसे बता रहे हो, तो भैया आप जाके एक बार ऑफिशियल कट ऑफ चेक कर लेना क्योंकि मैंने ना ऑफिशियली जो कट ऑफ बताया गया था सेक्शन वाइज वो मैंने यहाँ पर आपको बताया, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कम दर्शा के बच्चों को डिमोटिवेट करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप 1 मार्क्स मत समझो, अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप ज़्यादा मार्क्स को कट ऑफ मानो और उस अकॉर्डिंग तैयारी करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा।
सो आई होप कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैंने कुछ गलत बता दिया हो, आपको कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में आओ, वहाँ पर आप पूछो, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी। और अगर आप चाहते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना तो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी जाओ और आप मुझे फॉलो कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन Stay tuned. Bye-bye. Take care.